हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। और सीजन बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसलिए जहाँ भी बैठे हैं पंखा चला के बैठे हैं। कुछ मार्टिन कॉयल्स या जो कुछ भी मच्छर को भगाने के जो साधन है उनका प्रयोग जरूर करें, और रात में सोते समय स्पेशली मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। और कहीं भी पानी जमा ना होने दें मेरे भाई, मेरे दोस्त। डेंगू और चिकनगुनिया से बचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सफ़ेद दाग, चर्म रोग, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो और पेलेग्रा के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जीवन में दोस्त का बहुत ही महत्व है, और इंसान जब अपनी कोई समस्या शेयर भी करता है तो अपने किसी जो है बहुत ही अजीज मित्र के साथ ही शेयर करता है। लेकिन गुप्त रोग एक ऐसा रोग है कि जिसकी चर्चा भी किसी से करने में डर लगता है, और इंसान बहुत सोचने समझने के बाद किसी के पास पहुंचता है अपने मन की बात कहने के लिए, लेकिन अनुकूल परिस्थिति ना होने के कारण अपनी बात को मन में ही लेकर के वह वापस हो जाता है और अपनी बातों को कह नहीं पाता है। दोस्तों, अब रही बात वह कहे तो किससे कहे। अपने बलरामपुर में कहा जाता है कि कुछ बहुत ही ठेलुआ टाइप के फ्रेंड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट मीन्स दैट कि अगर जो हम आप अपनी समस्या उनसे कहते हैं तो वो हंसी उड़ाते हैं, या हमारी बात को, हमारे सीक्रेट्स को सुन करके किसी दूसरे से जा करके बढ़ा चढ़ा करके हमारी बीमारी के बारे में बात करते हैं, और जिसके वजह से हम समाज में सही से खड़े नहीं हो पाते हैं, या नज़रें मिला के नहीं चल पाते हैं, या यूँ कह लें समाज मुझे एक बीमार के निगाह से देखना शुरू कर देता है, हमसे दूरियां बनाने लगता है। इस भय के वजह से भी लोग अपनी बातें किसी से नहीं कह पाते हैं। तो मित्रों, इसी भय को दूर करने के लिए आपका भाई, आपका बंधु, आपका दोस्त डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है। अगर जो आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी समस्याओं को अगर जो लगता है आपको कि मैं उस लायक हूं तो कमेंट्स करके या फ़ोन नंबर पे अपनी बात को हमसे रख सकते हैं। मैं पूर्णतः आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इंसान कहे तो कहे किससे, इस बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो अगर जो आपके जननांगों पर, जी हाँ, या गुप्तांगों पर चकट्टे जैसा, लेदर जैसा स्किन हो गया या सफ़ेद हो गया है, तो मित्रों, या वहाँ से मवाद आता है, पस का फॉर्मेशन होता रहता है, तो आप अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाते, ना किसी को दिखा पा रहे हैं, ना दिखा पा रही हैं, तो ऐसे लोग हमारे साथ बने रहें। तो आइए दोस्तों, एक एक सिम्टम्स को बताता हूँ, और सिम्टम्स के आधार पे आपको दवाइयों के बारे में नॉलेज देता हूँ। आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र है, तो है दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं देखरेख में। मित्रों, बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि आखिर ये वीडियोज क्यों बनाते हैं, तो हालांकि मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज जरूर बताऊँगा कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब उस गरीब तबके के इंसान का 2-4-10 रुपए में या 100-200 रुपए में बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं, और वो फ़ोन करके जब मुस्कुरा के मुझसे कहता है डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन यहीं पे सार्थक हो जाता है। दोस्तों, जब हम अपने कुर्सी को समाज हित में रख करके बैठते हैं और अपने ज्ञान को समाज के भलाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये किसी देशभक्ति से कम नहीं है, यह एक सर्वोपरि राष्ट्र सेवा ही माना जाता है। तो इन कारणों से मैं वीडियो बनाता हूं, और बहुत अच्छा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जूनियर्स पढ़ते हैं जाकर के।
और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपके वीडियोज के वजह से बड़ा मदद मिलता है, तो भी बहुत सारा मुझे जो है खुशी मिलता है, क्योंकि अगर जो जूनियर्स को फायदा मिल रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, होम्योपैथी आगे बढ़ रही है और लोगों के डिजीज ठीक होते जा रहे हैं और उनको ड्रग का जो है रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा और बात मेरे लिए क्या हो सकता है। इंसान बीमारी तो से मरे या ना मरे, लेकिन दवाइयों के बोझ से मर जाता है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी सरल आसान पैथी है जहाँ पे दो बूंद दवा के माध्यम से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जाता है, इसलिए मैं वीडियोज़ को बना करके डालता हूँ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, अगर जो जननांगों पे अत्यधिक खुजली होती है, रात में इंटेंस बर्निंग होता है, मवाद निकलता है, चकत्ते पड़ गए, सफ़ेद हो गया है, तो ऐसे तमाम भाई बंधु एक डोज सल्फर का लें और उसके जो है कुछ दिन उपरांत आप आर्सेनिकम सल्फ्यूरिकम फ्लेबम का प्रयोग करें और साथ साथ में आर्निका कैलेंडुला का प्रयोग करिए। उम्मीद करते हैं कि महीना से 2 महीने के बीच में आपकी स्किन एकदम से ठीक हो जाएगी, आपकी जो है सफ़ेद दाग की समस्या सही हो जाएगी, विटिलिगो सही हो जाएगा, और अगर जो आपको आराम मिलता है और थोड़ा बहुत डिजीज रह गया है, तो इस दवा का प्रयोग 4 से 6 महीने तक आप लगातार करें। आपके शरीर में पेलेग्रा, इसके अलावा नियासिन, विटामिन B3 की कमी जो है वो अभी पूरी हो जाएगी, और इसके अलावा मित्रों विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, तमाम जैसी बीमारियां सब के सब सही हो जाएंगी और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगा। मित्रों यही उद्देश्य के साथ में मैं नए नए वीडियोज आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ अगर जो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका मुझ पे और मेरे चैनल पे, मेरी पैथी पे बहुत बड़ा जो है आपका आभार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।